हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। और ये मॉडल पेपर ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इनका सोल्यूशन कराऊंगा मैं डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल में कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि समुच्चय एन, एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। आर हमारे पास एक संबंध दे रखा है ए से बी में, ए जो है बच्चों बी माइनस टू है, ठीक है, उसके बराबर है, और B का मान 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैं हर एक चीज़ डिटेल में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बेटा, बहुविकल प्रश्न है लेकिन मैं डिटेल में कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एक का क्या है, एक का क्या है बेटा, कौन नंबर है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या, आर जो दे रखा है बेटा ए से बी में, एक ऐसा संबंध मुझे दे रखा है कि जो a है वो b माइनस टू के बराबर है, ठीक है, और मुझे b का मान 6 से बड़ा लेना है। ठीक है, b का मान जो भी लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। देखो पहले a होता है फिर b होता है, 6 से बड़ा लेना है, तो कौन सी बात सही होगी वो आपको देखना है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है करके। अब आ जाओ इधर, b से लेना है, अगर मैं ले लेता हूँ, देखो b का मान यहाँ 8, यहाँ ये वाला नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ 4 है जो कि 6 से छोटा है, 8 ले लिया। अगर मैं 8 लेता हूँ, यदि यदि b बराबर मैं 8 लेता हूँ, तो ये a का संबंध है, b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 8 माइनस के 2, तो a आ जाएगा 6। तो संबंध पहले a आएगा फिर b आएगा, क्या 6.8 r में है, 6.8 देखो यहाँ 6 आना चाहिए, तो यहाँ 3.8 दिखा रहे हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 6.8 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ 7 है, यहाँ बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। अगर आपको जो भी मैं करवा रहा हूँ बेटा, अगर आपको इसका सही होगा पीडीएफ, तो आपको मैथमेटिकल एनालिसिस डॉट इन पे आपको मिल जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। हर एक चीज हम करेंगे डिटेल में, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नंबर ख पे आ जाओ, कह रहे यदि ए एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो के ए का जो मॉडल, ये जो दे रखा है मॉडुलस का मान क्या होगा। ठीक है, सारणिक का चिन्ह होता है। सो देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल आता है, ठीक है, कौन नंबर है, हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो आव्यूह की कोटि में जो क्या दे रखी है, चूंकि आव्यूह की कोटि वो मुझे दे रखी है 3×3, ठीक है, तो यानी कि n के जगह पर 3 है हमारे पास इस क्वेश्चन में, n के जगह पर 3 हमारे क्वेश्चन में, हमसे बोला है के ए का मान निकालो। ठीक है, के ए का मान निकालो, तो के का मान निकालना है, तो देखो सीधी सी बात है, एन कितना है यहाँ पर, 3 है, देखो 3×3 बोला है ना, तो एन की जगह पर 3 है, तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, के ए जो ऑर्डर होता है वो पावर में आ जाता है के के, और ये चीज़ बाहर रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, और ये हर साल आता है, तो यहाँ से देखो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजों में समझा रहा हूं। कह रहे हैं यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए का मात्रक सदिश क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सदिश ए है ना, उसका जो परिमाण है वो ए दे रखा है, ये दिया हुआ है, कौन नंबर में ये दिया है, तो हमसे बोल रहा है कि जो लैम्डा ए है, ठीक है, इसका क्या मान होगा लैम्डा ए का, और ये सदिश जो है बच्चों उस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बच्चों आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक नंबर, तो लैम्डा ए का मान क्या होगा। ठीक है, सो देखो बेटा ये चीज़ बाहर आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से,
ठीक है, इसका मान क्या है, ए के बराबर है, इसका मान ए के बराबर है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है। देखो यहाँ से ए का मान, ये लैम्डा गुणे में है, ठीक है, ये लैम्डा गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, घ नंबर में कह रहे अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है ये आपको बतानी है। चलिए घ नंबर अवकल समीकरण मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे अवकल समीकरण जो दे रखा है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। 2x² d2y/dx² - k 3 dy/dx + y = 0 ये मुझे दे रखा है। इसका मुझे क्या निकालना है, कोटि निकालना है। क्या निकालना है, कोटि, सिर्फ कोटि पूछा, आपसे घात नहीं पूछा है। कोटि क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अवकलज हुआ है, कितनी बार अवकलज हुआ है, दो बार, तो आंसर आ जाएगा दो। कोटि कितनी हो जाएगी, दो। अगर आपसे घात भी पूछता तो देखो यहाँ से घात के लिए परिभाषित है, तो जहाँ से कोटि देखते हैं उसके ऊपर पावर जितनी होती है वो घात होती है, तो घात इसका एक होता। ठीक है, तो घ नंबर में ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कोटि कितनी होगी, दो। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, x² e^(x³dx) किसके बराबर है, इसका समाकलन करना है अंगा नंबर में। ठीक है, इसका क्या करना है, समाकलन, समाकलन में हमेशा आई मान लो, तो हमें यहाँ दे रखे x² e^(x³dx). ठीक है, सो देखो बेटा, इसको मानने से इसका अवकलज हमें मिल रहा है, माना इसको आप t मान लो, अवकलज करोगे तो x के सापेक्ष ये हो जाएगा x² dx बट्टे में आ जाएगा। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, तो x² dx की जगह पे मैं रख सकता हूँ dt/3, और x³ को मैंने t माना तो 1 की पावर में t आ जाएगा, 1/3 बार 1 की पावर t इंटीग्रेशन में dt। प्रॉपर वे में लिख दिया, 1 की पावर t का इंटीग्रेशन 1 की पावर t ही होता है, इंटीग्रेशन के दम c जोड़ दूँ, लास्ट में मान रख देना है t का, t का आपने क्या माना था, x³ आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ ढूंढो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अंगा नंबर में, सी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, अंगा नंबर भी हो गया। 4 नंबर में कह रहे साइन इनवर्स एक्स अगर वाई के बराबर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से साइन वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। ठीक है, साइन वाई अगर एक्स के बराबर है तो इस वाई का मान, वाई की क्या से आता होता है, -π/2 से π/2 की रेंज होती है। ठीक है, सिंपल चैप्टर नंबर 2 का बेसिक से लिया गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके NCERT का ही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी एक एक नंबर के, लेकिन सॉल्व करना है। क्या जो फलन है R से N में जा रहा है, ठीक है, वास्तविक संख्या जिन नेचुरल नंबर में जा रहे हैं, परिभाषित फलन f(x)² एक बहु एक एक है, कारण बताइए है या नहीं है वो बताना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमें क्या दिया है, फंक्शन जो हमारे पास है वो वास्तविक संख्या से नेचुरल नंबर में जा रहा है। ठीक है, और फलन जो हमें दे रखा है fx जो दे रखा है वो x² के बराबर है। ठीक है, ये मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ आपको,
देखो बेटा, इस तरफ आपका वास्तविक संख्या है और इस तरफ आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है? इससे इसमें एक संबंध जा रहा है। तो देखो बेटा, संबंध नहीं फलन है, ठीक है? अगर मैं आर का मान -1 लेता हूँ, यहाँ रखोगे -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, ये भी वास्तविक संख्या में आता है, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, ठीक है? बहु है क्या, कि है या नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है? अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 का वर्ग करूँगा तो 4 मिलेगा, -2 भी रखता हूँ, और ये जो संख्या आ रही है वो क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है। -2 का वर्ग करूँगा तो वो भी क्या जाएगा, 4। बहु है क्या की है, तो हाँ, तो लिख देंगे आंसर में हाँ, हाँ ये बहु है क्या की, हाँ दिया गया फलन बहु है क्या की है, हाँ दिया गया फलन बहु है क्या की है, क्योंकि देखो अलग अलग इनपुट रख रहा हूं मैं तो सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रीजन और थोड़ा दे सकते हो, कारण भी बताना बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि एफ माइनस वन और एफ वन मुझे 1 दे रहा है, पर -1 1 के बराबर नहीं है, ऐसे सिंपल में लिख सकते हो, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 तो हो गया, 3 में आ जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है आपसे, कह रहे हैं x की पावर y अगर 10 के बराबर हो तो dy बटा dx ज्ञात करना है, दिया है, देखो x की पावर y अगर 10 के बराबर हो, है ना, तो मैं dy बटा dx ज्ञात करना है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग x की पावर y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग 10, ठीक है? और आपको पता है जो भी पावर में रहता है, ये सूत्र आपको पता होगा, लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m होता है कि नहीं होता है? तो y सामने आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा log x, सिंपल, ठीक है? तो अब इसमें क्या लग जाएगा, अब आप क्लच कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है x के सापेक्ष अब क्लच करने पर ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, दोनों तरफ क्लच करना है, ठीक है? तो पहला वैसे का वैसे log x का प्लस क्या होता है, 1/x, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का क्लच dy/dx, और ये log 10 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का प्लस क्या होता है, 0, ठीक है? तो ये तो हो गया वाई बट्टा एक्स, और यहाँ से आ गया लॉग एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, आगे हल कर देते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस के वाई लॉग एक्स गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया आंसर, ठीक? कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें प्लीज, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, 10 inverse -√3 का मुख्य मान निकालना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कराऊंगा आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? किसका मान निकालना है, 10 inverse -√3 का, ठीक है? अब आपको बताइए बच्चों, 10 inverse -θ क्या होता है, माइनस के 10 inverse θ, पता है ना? तो ये माइनस सामने आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर 10 inverse है, इसका मान 10 में सोचो, सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ एकदम, इसका मान 10π/3 होता है, ठीक है? 10 60 का मान √3 होता है, 10 inverse 10 हट जाएगा तो आ जाएगा -k π/3, ये आपका मुख्य मान आ जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
कह रहे फलन एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है इस फलन का। ठीक है, समाकलन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? पांचवा। समाकलन यानी कि इसको मैं आई मान लेता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 2x, अंदर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर 90% के उसमें जो कुछ भी फंक्शन होता है साइन कॉस उसके एंगल में जो होता है ना, उसको मानने से हल हो जाता है। देखो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x यहाँ मौजूद है, तो इसे ही मैं मान लूँगा। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t मान लेता हूँ, तो इसका प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, 1 का प्लस 0, ये हो जाएगा dt बट्टे dx। तो 2x dx की जगह पे आ जाएगा dt। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पर साइन, इसकी जगह पर हमने माना है t, और 2x dx की जगह पे आ जाएगा dt। ठीक है, साइन t का समाकलन क्या होता है बच्चों? माइनस के cos t। समाकलन खत्म, c जोड़ दिया। ठीक है, और t का मान रख दो, t का मान हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों? समाकलन नियतांक है। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इसका हमें हल करना है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका हमें हल करना है। चलिए करते हैं। क्या दे रखा है बच्चों? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, इधर cos है तो इसका मान cos में सोचो, cos में इसका मान तो cos पाई बाय 3, cos 60 का मान होता है ना, और 2 sin इनवर्स है तो इसका 1/2 sin इनवर्स बाद इसका मान sin में सोचो, sin पाई बाय 6, sin 30 डिग्री का मान होता है ना, तो पाई बाय 6। ठीक है, सो देखो इससे ये हटा, इससे ये हटा, यहाँ से बचा ओनली पाई बाय 3, यहाँ से 2, और यहाँ से बचा पाई बाय 6। पाई बाई 3, पाई बाई 3 यहाँ से आ जाएगा आंसर में 2π/3। क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। आप कह रहे सरल कीजिए, इसको इसको हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है हमारे पास? बाहर से cos थीटा है, यहाँ है cos थीटा, sin थीटा, फिर इधर है माइनस के sin थीटा, फिर है cos थीटा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ sin थीटा है आपकी बार, और अंदर है sin थीटा माइनस के cos थीटा, cos थीटा, फिर यहाँ है sin थीटा। ठीक, तो पहले cos से इधर गुणा करना है और sin से इसमें गुणा करना है। cos गुणा cos, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा, sin थीटा, फिर इसमें गुणा करोगे माइनस के cos थीटा, sin थीटा, cos 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 स्क्वायर थीटा। ये एक मैट्रिक्स हो गया, sin से गुणा करेंगे यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इसको जोड़ना है, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि चिन्ह दो मैट्रिक्स को जोड़ने का चिन्ह है, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। इसका मान एक होता है, इसका मान एक होता है, प्लस माइनस कटा, प्लस माइनस कटा, एक जीरो जीरो एक, तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 ऑर्डर का।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा बच्चों, आठवां। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। देखो हमें क्या दे रखा है बटन, चूंकि वाई हमारे पास है कॉस इनवर्स 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स है, इसके फॉर्मूले को कॉस बदलना पड़ेगा, और मैंने बोला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर दिखता है हमें x की जगह पे क्या मानना पड़ता है, टेन थीटा, माना x बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रख देंगे, फिलहाल जहाँ जहाँ x है वहाँ पर टेन थीटा रखो। ठीक है, तो रखते हैं देखो कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रख दिया। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आ गया साइन टू थीटा, लेकिन इधर कॉस इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन को कॉस से बदलना पड़ेगा। ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, यहाँ बचेगा पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, थीटा की जगह पे मान रखो, थीटा की जगह पे मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मान हमने रख दिया, ये वाई है, ये तो अभी हमने इसको सिंपल किया, अब हमें इसका अपक्लच करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलच करने पर। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टे में डी एक्स, पाई बाई टू का अवकलच जीरो, टू बार टेन इनवर्स एक्स का अवकलच क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस के टू, ये आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, आठवा हो गया ना, नब्बे पे आ जाओ। क्या बोल रहा है हमसे, कह रहे हैं अगर ये चीज़ है नाइन्थ वाला है ना, तो इसको हमें हल करना है, ये चीज़ दिखाना है, या तो ये करूं या ये करूं, तो हम तो बच्चों दोनों करेंगे, क्योंकि हमें तो दोनों ही बताना है आपको। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाऊं, पहले वाले में क्या है बेटा, पहले वाले पार्ट में यदि e की पावर y हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वन बराबर वन है, तो ना सिद्ध क्या करना है हमें, एग्जाम में आपको वो करना जो आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो और जो आपको टाइम कम लग रहा हो, अगर दोनों ही अच्छे से आते हैं तो जो टाइम कम लगे ना उसको करना। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें ये सिद्ध करना है, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बेटा जो हमें दे रखा है ना उसको पहले लो। देखिए, चूंकि e की पावर वाई ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक, आपको यहाँ पे दो सूत्र लगाने पड़ेंगे, लॉग e की पावर x क्या होता है x, और लॉग m बट्टे n क्या होता है, लॉग m माइनस के लॉग n। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा, ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा, तो यहाँ से तो सिर्फ y बचेगा, यहाँ से आ जाएगा log 1 और माइनस log x प्लस 1। ठीक है, आपको बताए बेटा log 1 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, रखेंगे यहाँ पर तो y का माना जाएगा माइनस के log x प्लस 1। ये सिंपल मुझे y मिल गया, मुझे अब क्लस करना है एक बार दो बार, पहली बार अब क्लस करता हूँ डी वाई बटा डी एक्स, लॉग इसका प्लस करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे मिल गया dy/dx। इसका अब दोबारा से अब क्लच करूँ, देखो बेटा अब क्लच वगैरह तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। इसका हम दोबारा से अब क्लच करेंगे, माइनस बाहर रहेगा तो ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। दोबारा आप क्लच करोगे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दो समीकरणों से, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, इससे ये चीज़ बना के दिखानी है। देखो ये नवा क्वेश्चन है ना, आगे देखो यहाँ कर रहे हैं हम, तो देखो बेटा इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर क्या है d2y/dx2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अपने सुविधा अनुसार x+1 है ना, टोटल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो यही आना है, आना है कि नहीं आना है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ dy/dx, ठीक है ना। यहाँ लिख देना समीकरण एक से तुमने मान रखा है ना, यही तो तुम्हें सिद्ध करना था जो मैंने अभी लिखा, यही सिद्ध करना था ना, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों आप उसका, अच्छा उसका अथवा वाला पार्ट, अथवा वाला पार्ट भी करेंगे हम, सब करेंगे, ठीक है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला है तो ये पैरामीटर वाला फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों एक्स हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए थीटा ये चीज, ठीक है, और वाई मुझे दे रखा है ए 1+cos θ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। पैरामीटर में एक्स दे रखा अलग, वाई दे रखा अलग, dy/dx निकालना है। तो dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामीटर में है या थीटा में रखे हैं, पैरामीटर है ना, तो ये हो जाएगा dy/dθ dx/dθ, ये होता है dy/dx। तो ये हम निकालेंगे अब अलग अलग, चूंकि x निकाल रहे हैं, ये दे रखा है ना, ठीक है। अब क्लच ये सबसे मेन पार्ट है इसका, थीटा के सापेक्ष आप क्लच करेंगे, ठीक है। ए कांस्टेंट है बाहर, थीटा का क्लच 1, साइन थीटा का क्लच कॉस थीटा, ठीक हो गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, y हमारे पास क्या, ए 1+cos θ, अब क्लच करेंगे थीटा के सापेक्ष, 1 का हो जाएगा 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, अब क्लच, ठीक है। अब हमें मान रखना है यहाँ पर, अब dy/dx, ठीक है, dy/dx क्या था, dy/dθ dx/dθ यही था, मान रखेंगे dy/dθ का माना है a माइनस के साइन थीटा, और इसका माना है a 1-cos θ, इसे a कैंसिल, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2sin θ/2 cos θ/2, और 1-cos को लिख सकता हूँ 2sin²θ/2, 2 से 2 कैंसिल, एक घात यहाँ से कम हो जाएगा, cos θ/sin θ क्या होता है माइनस के cot θ/2, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है ना मैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, कह रहे dy/dx ज्ञात करना है इस चीज़ का, ये भी 2 नंबर में है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, 10वां। चूंकि y की पावर x हमें दे रखा है, x की पावर y, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग y की पावर x, लॉग x की पावर y, तो यहाँ से पावर वाला सामने आ जाता है, ठीक हो गया।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अवकलज करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष। दोनों तरफ अवकलज करने पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, किसी को फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला वैसा का वैसे, सेकेंड का अवकलज करना है, लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, वन अपॉन वाई, और वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। दूसरा वैसे का वैसे, पहले का अवकलज एक्स का अवकलज वन होता है क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, वन बटा एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ से आ गया एक्स बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, ये डी वाई बट्टा प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर है वाई बट्टा एक्स, और ये प्लस का लॉग वाई इधर के हो जाएगा माइनस के लॉग वाई, ठीक है। यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, हम निकाल लेते हैं ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा एक्स बट्टा वाई माइनस के लॉग एक्स, गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, आंसर, ठीक है। यही है, मिलाना था डी बी बटा डी एक्स निकालना था, हो गया बड़े आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में, कह रहे इसका समाकलन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो दो नंबर में दे रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, समाकलन करना है। आई मान लिया क्या है, एक ही घात टेन इनवर्स एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स को अगर अवकलज करने पर हमें क्या मिलता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मानना पड़ेगा, टी को मान दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स, डी एक्स है एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, ठीक है। ये होता है अवकलज, तो डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स एकम डी एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ डी टी, इसकी जगह पे डी टी, और इसकी यहाँ आ जाएगा एक ही घात में टी। तो ये आ जाएगा एक ही घात में टी, और यहाँ आ जाएगा डी टी। एक ही पावर टी का समाकलन एक ही पावर टी ही होता है, सी जोड़ देंगे और टी का मान रख देंगे। टी हमारे पास क्या था, टेन इनवर्स एक्स, आंसर। लास्ट में लिखना मत भूलना, जहाँ सी हमारा समाकलन नेतांक है, जहाँ सी एक समाकलन नेतांक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन वाला, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लगभग हर साल आते हैं, व्यापक हल ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है बेटा, डी वाई बट्टे डी एक्स हमें दे रखा है, वन प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ गुणा करेंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, वाई वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ। ये गुणे में है, इधर बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन। तो ये सूत्र बन जाएगा, डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता है ना ये सूत्र,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला सूत्र होता है। वैसा बन गया, ए की जगह पर यहाँ वन है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई और ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा करना था, दो नंबर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं अवकल समीकरण, अच्छा ये हो गया भारत। तेरहवें में क्या बोल रहा है, सदिश इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है या फिर इसके लिए ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। दोनों ही आसान है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, प्रक्षेप निकालना है तो किसका, जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है ना वो हम दिखाते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है, दोनों पार्ट करेंगे हम। 13वां क्वेश्चन है, पहला पार्ट। माना ए वेक्टर, पहला वाला वेक्टर जो हमारे पास है आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास जिस पर प्रक्षेप निकालना है सेवन आई माइनस के जे प्लस आठ का, इस सदिश का इस पर प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है यानी कि ए डॉट बी का कैप ये निकालना है। और बी कैप मतलब क्या होता है, सदिश बी, बी का परिमाण। ठीक, चलिए करते हैं इसको। देखो बेटा, एक हमारे पास क्या है आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, यहाँ डॉट बी हमारे पास है सेवन आई माइनस के जे प्लस आठ के, बट्टे में क्या है बी का परिमाण, बी का परिमाण निकालो, अंडर रूट सात का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, आठ है आठ का स्क्वायर, परिमाण निकालना आता होगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका गुणा एक, इसका गुणा सात, सात एक कम सात, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तीन एक कम तीन माइनस के तीन, सात अठे प्लस प्लस के का के साथ, सात अठे छप्पन। अब इसको हल करो, सत्तर उनचास एक चौंसठ। देखो बच्चों, यहाँ से सात में तीन कटाएंगे चार बचेगा, छप्पन और चार साठ हो गया, और यहाँ से आ जाएगा पचास, पचास और साठ एक सौ दस, एक सौ चौदह अंडर रूट के, ये आपका आंसर आ गया। इस सदिश का इस पर प्रक्षेप निकालने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला, जिस पर बोलता है उसका क्या लग जाता है, मात्रक सदिश। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अथवा वाला पार्ट भी हम करेंगे, अथवे में भी दे रखा था। अथवा वाला पार्ट क्या बोला है, ए क्रॉस बी निकालो, वो तो ज़्यादा आसान है, कक्षा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। हमें ए क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, ए मुझे दे रखा है क्वेश्चन में टू आई माइनस के जे प्लस के टू के, और बी मुझे दे रखा है माइनस के आई प्लस के जे माइनस के, और हमें निकालने के लिए बोला गया है ए क्रॉस बी। तो ये लिखते हैं आई जे के, पहले वाले का गुणक दो माइनस वन दो, दो माइनस वन दो, फिर है माइनस वन वन और फिर माइनस वन। ठीक है, आई लिखेंगे, आई को छुपाया, इसके गुणा इसके साथ एक, फिर माइनस करके इसके गुणा इसके साथ दो, प्लस के बाद फिर माइनस लगता है, दो के गुणा इसके साथ माइनस के दो, दो के गुणा इसके साथ माइनस दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस फिर लगता है प्लस, के को छुपाया, दो एक कम दो माइनस, माइनस माइनस प्लस का एक, तो ये आ जाएगा माइनस के आई, ये हो जाएगा जीरो जे और ये हो जाएगा सिर्फ के, तो आंसर आ जाएगा ओनली माइनस के आई प्लस के। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, ये हमसे क्या बोल रहे हैं,
कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय है ए कॉमा बी संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, ठीक है। अब इस साल ना यूपी बोर्ड वगैरह में ये सिलेबस से हटा दिया गया अथवा वाला, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट है तुल्यता संबंध है, दूसरा वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तुल्यता संबंध होने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर ये तीनों संबंध सिद्ध हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, वो चीज़ हो जाती है तुल्यता संबंध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ठीक है। सो हमें दिया है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आर दे रखा है जो संबंध है हमारे पास, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो संख्या दो है, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य, ठीक है ना। नंबर वन हमें चेक करना होगा स्वतुल्य। स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो हम क्या लेते हैं, ए कोमा ए, ये आर में है। अगर ए कोमा ए आर में है तो ये संबंध बोल रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के जगह ए आएगा, बी के जगह भी ए है, तो ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो। और ज़ीरो हर किसी संख्या से भाज्य हो जाए होता है जो कि दो से विभाजित है, और यही तो बोला है कि संख्या दो से विभाजित होगा जो कि दो से विभाजित है, ठीक है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। एग्जाम में जैसे लिखना है ना बेटा, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। स्वतुल्य का तो हो गया, अब हमें सममित भी देखना है और संक्रामक भी देखना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस वाले पार्ट के लिए, सममित के लिए। अगर ए का संबंध बी के लिए होता है तो बी का संबंध भी ए के लिए दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए, यदि यदि ए कॉमा बी आर में है, अगर ये लेते हो तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आर में है तो, और क्वेश्चन पर प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी दो से विभाजित है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब इस चीज़ को मैं कैसे कर लिख सकता हूँ, देखो माइनस अगर उभयनिष्ठ ले लूँगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो ये भी दो से विभाजित है, ठीक है, ये भी दो से विभाजित है कि नहीं। देखो अगर कोई संख्या दो से, अगर दो दो से कट रहा है तो माइनस दो भी तो दो से कटेगा ना, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगर ये ए बी आर में था तो ए माइनस बी दो से कट रहा था, अगर बी माइनस ए दो से कट रहा है तो इसका सीधा संबंध है कि बी कॉमा ए बी कहाँ है, आर में है, ठीक है ना। अतः यह संबंध है, तो ये सममित भी हो गया। अब हमें बस क्या दिखाना है बच्चों, संक्रामक दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, थर्ड नंबर में संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चेक करेंगे, संक्रामक का क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध मुझे सी के साथ दिखाना होता है। देखो, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी दो से विभाजित है, ठीक है। यदि बी का संबंध सी के साथ है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी भी दो से विभाजित है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको इसको जोड़ लूँगा। अब मुझे दिखाना होगा ए और का संबंध सी के साथ दिखाना होगा, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी को मैं जोड़ दूँगा, ठीक है। ये प्लस माइनस बी कट, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी, क्योंकि ये भी दो से विभाजित है, ये भी दो से, ये तो कॉमन है,
दो से बजे थे, यूपेनिस्ट आ जाएगा, दो से बजे थे, ए माइनस सी दो से बजे थे, इसका मतलब है कि ए का संबंध सी के साथ है। आप ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ लेके चले थे और आपने दिखा दिया कि ए का संबंध सी के साथ है, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, लास्ट में आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह तुल्यतम संबंध होगा, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ए यह है बी यह है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बी डैश ए डैश है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, परिमित ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है ये चीज माइनस के 2, 4, 5, और जो बी दे रखा है हमें वो ये दे रखा है 1, 3 माइनस के 6। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले बोला है हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें बच्चों, ए बी का डैश जो होगा बच्चों बी डैश ए डैश होगा, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पार्ट में आ जाते हैं, ए बी निकालते हैं पहले, ए और बी के गुणा। ए हमारे पास है माइनस 2, यहाँ 4, यहाँ पर 5, और बी हमारे पास है 1, 3 माइनस के 6। ठीक है, सबसे पहले देखो रो इन टू कॉलम होता है, कितने रो हैं इसमें, 3 रो, कॉलम है 1, इसमें कितने रो हैं 1 और कॉलम कितने हैं 3, 1 से 1 कटा, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 3×3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, ए बी का जब गुणा करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2×1=2। ठीक है, माइनस 2×3=6, 2 माइनस माइनस प्लस 6×2=12, फिर आ जाएगा 4×1=4, 7×12, 4×6=24, 5×1=5, 5×3=15, 5×6=30, ये चीज आ गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज परिवर्त, तो जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, तो -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15, -13, ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ए बी डैश निकाल दिया। अब हमें बी डैश और ए डैश की गुणा करनी है और फिर देखना है बराबर होगा कि नहीं, बी डैश, ठीक है, और फिर ए डैश, ये अलग से निकाल लो पहले, बी डैश निकालते हैं और फिर ए डैश निकालते हैं, फिर देखते हैं। बी डैश, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 1, 3, -6, और ये जो कॉलम वाला है वो रो बन जाएगा, -2, 4, 5। ठीक है, अब हमें गुणा करनी है बी डैश ए डैश की, 1, 3, -6, और ये -2, 4, 5, ये भी ऑर्डर 3×3 ऑर्डर का बनेगा, जैसा पहले वाले में बने था वैसे ही है, तो 1×2 के साथ -2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4×1=5, 3×2=6, 3×4=12, 3×5=15, -6×6=12, -(−), -6×24, -(+), 6×5=30। देखो ये समीकरण 2 को देखो और आप समीकरण 1 को देखो, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से आप लिख दोगे कि जो ए बी डैश है वो किसके बराबर, बी डैश ए डैश के, डैश बोले तो ट्रांसपोज,
परिवर्तन, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से आपका बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 15 नंबर तो हो गए, अब 16वें नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लैम्डा के किस मान के लिए ये जो फलन है एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो अगर 0 पर सतत होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है, और उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।